जब एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाता है, अपना काम पूरे एंथू और जील के साथ करता है, सबको साथ लेकर चलता है, तो ऑटोमेटिकली ही उसकी प्रेजेंस वाइब्रेंट और रेडिएंट हो जाती है। बीइंग अराउंड विद दैट पर्सन यू फील वैलिडेटेड, अंडरस्टूड एंड कंफर्टेबल। उनकी कंपनी आपको अपलिफ्ट कराती है, आपको ग्रो करने में मदद करती है। तो ये साइन है कि उस इंसान के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट है और उसकी वाइब्स पॉजिटिव है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि अरोड़ा। आई एम वर्किंग एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इन भाटिया न्यूरोसाइकियाट्रिक हॉस्पिटल एंड दी हर्मिटेज अमृतसर। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे साइंस की बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि हमारी वाइब्स पॉजिटिव हैं और हमारा माइंडसेट भी स्किल्स और एबिलिटी को अच्छे से यूज करता है। जब आप आसपास के लोगों को जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, उन्हें इंकरेज करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ये एम्पावरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है उनके और आपके वेलबींग के लिए और आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाता है। इन एडिशन टू दिस, जब आप किसी को गुड फीलिंग्स देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं फॉर द लिटिल टास्क दे डू, वो एक वार्म और वेलकमिंग एटमोसफियर क्रिएट करता है आपके और उनके बीच में। नेक्स्ट इंडिकेटर है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। जब आप अपनी लाइफ में छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों के लिए थैंकफुल और ग्रेटफुल होते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है आपके पॉजिटिव माइंडसेट को। अनदर सलाइन फीचर है कि जब आप दूसरों के लिए एम्पथी डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, आप उनकी जगह जाकर उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स को समझते हैं, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन फॉस्टर करते हैं कि somebody is there for you, don't worry. फर्दर प्राइम फैक्टर है कि जब आप ओपन माइंडेड होते हैं, जब आप दूसरों की बातों को, उनके ओपिनियंस को, उनकी लाइकिंग्स को सुनते हैं विदाउट अज्यूमिंग और इंटरप्टिंग देम, ये सिग्नल है अप्रोचेबिलिटी का। रिसर्च कहती है कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% हमारे शब्द यानी कंटेंट मैटर करता है, 38% हमारी टोन, पिच, हम किस आवाज़ में बात कर रहे हैं और 58% हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा आई कॉन्टैक्ट, हमारे हैंड जेस्टर्स, हमारे पोस्चर, ये की प्रिंसिपल्स हैं इस कम्युनिकेशन में। आपका बॉडी लैंग्वेज इंटिमिडेटिंग या रफ नहीं होता, डिसएग्रीमेंट का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। मूविंग अहेड, जब एक इंसान के अंदर एबिलिटी टू अडैप्ट द चेंज और ट्रांजिशन इन लाइफ आ जाती है, वो रिजिड होने की जगह फ्लेक्सिबल अप्रोच को अप्लाई करता है कि माय वे इज नॉट द हाईवे। हॉलमार्क एट्रीब्यूट है टेंडेंसी टू फोकस ऑन द सिल्वर लाइनिंग इन सिचुएशन, यानी प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द ना घूम कर या प्रॉब्लम्स के बारे में ही दिन रात सोचने की जगह आपके अंदर एक प्रोएक्टिव कंस्ट्रक्टेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव शोकेस करता है कि अब करना क्या है। आप अपने इमोशंस में बहकर फैसले नहीं कर पाते, आप इजीली रेडिली हेल्प सीख करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दी हर्मिटेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।